के पे बैक पीरियड कैसे निकाला जाता है। देखो, पे बैक पीरियड का मतलब ये है कि जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो उससे बनने वाले लाभ से वो जो एसेट खरीदी थी कितने समय में हम कवर करेंगे उसकी कॉस्ट। मान लो कि एक एसेट हमने खरीदी 10 लाख की और उसका पे बैक पीरियड है 5 इयर्स। इसका मतलब ये है कि 5 साल का जो लाभ था वो 10 लाख है। तो इट इज अ टाइम पीरियड जिसमें हमने जो एसेट की कॉस्ट है वो कवर करनी है। जितना पे बैक पीरियड कम होगा उतने ही एसेट हमारे लिए दमदार होगी, उसमें इतनी क्वालिटी है कि वो प्रॉफिट निकाल सकती है। तो आइए इसको समझते हैं। ये एग्जांपल दी हुई है, यू आर वर्किंग एज एन असिस्टेंट टू फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ वोंका पीएलसी ए स्वीट मैन्युफैक्चरर। कोई कंपनी है वो स्वीट मैन्युफैक्चर करती है, उसके फाइनेंस डायरेक्टर के आप असिस्टेंट लग गए। अच्छी बात है, डायरेक्टर आपसे सलाह ले रहा है। तो यू टू कंसाइडर टू पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स द डिटेल ऑफ विच आर एज फॉलो। तो कंपनी ने क्या करना है, दो फिक्स एसेट लेनी है। मान लो मशीन्स लेनी है, कोई मॉडल लेना है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये मान लीजिए ये मशीन LM435 है और दूसरी मशीन है TY85। दिस इज फर्स्ट मशीन, दिस इज सेकंड मशीन। ओके, अगर मैं इसको ऐसे कह दूं, दिस इज द फर्स्ट मशीन मशीन ये मान लो सेकंड मशीन है। अब इनके नाम दिए हुए हैं। अब कंपनी आपसे पूछ रही है, ये एडवाइस ले रही है कि किसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। यहां लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस FD, आपने फाइनेंस डायरेक्टर को एडवाइस देना है एज टू विच प्रोजेक्ट शुड बी चूजन ऑन द बेसिस ऑफ योर कैलकुलेशन ऑफ पे बैक। जिसका पे बैक कम होगा उसको हम चूज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम यही कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, आपको एस्टिमेट कॉस्ट तो दी गई है, यानी ये एसेट खरीदते हैं तो इतना पैसा लगता है, इस एसेट को खरीदते हैं तो इतना पैसा लगता है, इनकी लाइफ दे दी है, एस्टिमेटेड रेजिडेंशियल वैल्यू दे दी है कि जो स्क्रैप बचेगा ना, डेट बचेगा, वो इतना बचेगा, इतना बचेगा। एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, हमें और वर्किंग कैपिटल पूंजी की आवश्यकता है। अगर ये प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट करना तो रिक्वायरमेंट है, हमने लगा दी रिक्वायर्ड 1,75,000 यहाँ, 1,80,000 यहाँ। अब देखो पे बैक पीरियड क्या है, एक सिंपल सा फार्मूला है। अगर मैं इसको मिटा दूं तो जस्ट 1 मिनट, देखो पे बैक पीरियड सीधा सा ही है। कहां गया एक, देखो इसमें है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। अब देखो ये जो होगा, 1 मिनट, अब ये फार्मूला है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड डिवाइड एनुअल कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। इसका मतलब ये है कि हम इसकी कैलकुलेशन जस्ट अपने कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। देखो यह है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई और यह है दिया गया स्क्रैप। अब वो कहता है जो डेप्रिसिएशन है ना वो स्ट्रेट लाइन है,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कोई मतलब नहीं है, तो बिफोर डेप्रिसिएशन एनुअल कैश फ्लो हमें चाहिए। तो हमने क्या करना है कि 25 लाख है, ये 25 लाख है, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन 25 लाख 50,000 है, इसमें से घटा दीजिए 4,75,000, भाग कर दीजिए 4 से, देखो 25 लाख है 50,000 है, और माइनस किया 4,75,000 और डिवाइड किया 4, 5,18,750 आ गया। इसको हर साल ऐड करना है, ये मान के चलते हैं जो नेट प्रोटोटाइप आफ्टर द डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, इसलिए इसमें ऐड करना है। ऐड करने का तरीका जितना भी है, मान लो 4 साल का आया है 5,18,750, ये डेप्रिसिएशन निकला, तो गुना 4 कीजिए ना, या एक एक साल में इसमें जोड़ते जाइए या गुना 4 कर लें। अब ये राशि टोटल कर लेते हैं, 1,67,500 प्लस 1,80,000 प्लस 1,95,000 प्लस 1,98,500। अब ये जो 1,75,000 है ना, ये 1 मिनट, 1,75,000 है, पहले इसको जो हमने डेप्रिसिएशन प्लस ये किया था इसको भाग कर लेते हैं 4 से, 7,04,000 आ गया एनुअल प्रॉफिट। देखो भैया 4 साल हैं, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड किया है, तो 1 साल का 7,04,000 प्रॉफिट शो हो रहा है। अब ये जमा कर देंगे प्लस 1,75,000 एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, जो हमारा प्रॉफिट है उसका ही एक हिस्सा है, उसमें से ऐड कर दिया हमने, तो हमारे पास 8,79,000 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 मिनट के 5,18,000 750 गुना 4 प्लस, इसको वैसे पहले ही ऐड करते हैं, 1,60,500 1,80,000 प्लस 1,95,000 1,98,500 और ये इसमें ऐड करते हैं, चौथे साल ही ये इसका ही हिस्सा है, क्योंकि कैश इनफ्लो का ये हिस्सा है, इसलिए भाग किया 4 से, 7,47,750। अब बहुत सिंपल सा है, अब ये जो है कैश इनफ्लो है, ये इसका हिस्सा बन गया फिक्स्ड एसेट का एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। तो क्या है टोटल जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है, 25,50,000 माइनस 4,47,000 प्लस 1,75,000 और इसको भाग किया जो एनुअल कैश फ्लो था, मींस हर साल जो लाभ आ रहा है कैश में, तो भाग किया 7,47,750 3 इयर्स जो इसका निकला है पे बैक पीरियड, और इसका जो पे बैक पीरियड निकलेगा वो 4 इयर्स निकलेगा आफ्टर कैलकुलेशन एस्टिमेटेड। सेम तरीके से तो हमने अपने फाइनेंस डायरेक्टर एडवाइस देनी है, भैया इसमें इन्वेस्टमेंट करो,
ठीक है, पैसा भी कम लग रहा है और आपका पे बैक पीरियड भी बहुत छेती आ रहा है। कम पैसे से आप वही 25,50,000 3 सालों में वापसी ले रहे हो। ओके, तो एक बार मैं फिर समझा देता हूं आपको पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि फार्मूला क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, डिवाइड एनुअल कैश फ्लो यानी हर साल का कितना लाभ है उससे भाग करना है। तो हमारे पास सबसे पहले है कि जो एनुअल कैश फ्लो होगा बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, जो नेट प्रॉफिट, एनुअल नेट प्रॉफिट होता है, जो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एस्टिमेट प्रॉफिट दिया है, ये आफ्टर डेप्रिसिएशन होता है, बिफोर टैक्स होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पास जो एनुअल कैश फ्लो चाहिए बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। तो हमने क्या करना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड का बहुत सिंपल सा है, हर साल एक ही लाइन में डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर 10,000 है तो हर साल 10,000 10,000 10,000, तो जितनी हमारी कॉस्ट है एसेट की उसमें जितना स्क्रैप होना है बाद में बचेगा वो कटा दो, उसको एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से भाग कर दो, इसमें से ये घटा दो ये भाग कर दो। उसके बाद उसका मान लो कि ये 5 साल है तो 5 साल से डेप्रिसिएशन को गुना 5 कर दो, जितना डेप्रिसिएशन निकाला, और ये जितने भी हैं यहां तक ऐड कर दो प्लस ये भी ऐड कर दो, ठीक है। अब भाग कर दो 5 से, एनुअल प्रॉफिट कह सकते हैं, एनुअल कैश प्रॉफिट या एनुअल कैश इनफ्लो, नोट है, दिस इज एनुअल कैश इनफ्लो, ये निकल गया। अब सीधी सी बात है, दोबारा यही इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड मीन्स अगर इसमें देखते हैं, ये में से ये घटा दो ये ऐड कर दो, भाग जो हमने निकाला था एनुअल कैश इनफ्लो वो डिवाइड कर दो, लगभग 4 इयर्स आएगा, तो हम ये डिसीजन ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एंड देन एनपीवी। ओके, थैंक यू वेरी मच।